गुड मॉर्निंग फन स्क्वाड, ये देखो सुबह सुबह का प्यार ये होता है। देखा अब आपको भी पता चल गया होगा कि ये ऐसे मिला जाता है सुबह सुबह, जगह है नहीं सोफे पे बैठने की, तब भी बैठना आपके साथ ही है। मैं सो के उठाऊं, मेरे पास आया भी नहीं है रीमा, ये था उठ गया दूर से देख के मुंह नीचे करके निकल गया और आप आए ऊपर आके बैठ गए। ओनी 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 ये ले चाय पी ले ब्रो, ये ले। गुड मॉर्निंग फन स्क्वाड, तो अब हम जा रहे हैं सायरा को क्लास में छोड़ने। आज सायरा का है बिजी डे, सारा डांस क्लास एंड कीबोर्ड क्लास। सो आज हम जा रहे हैं कुछ बहुत ही एक्साइटिंग करने के लिए सायरा की क्लास के बाद। अच्छा सच्ची में? तो आज इसके बाद हम कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो आपको भी बताते हैं, बट फिलहाल के लिए आज मैं छुट्टी मोड पे हूँ। अभी तो ऐसा लग रहा है चाय की कप्पी चल रहा है सुबह से, बस अब सारा को छोड़ेंगे फिर हम जाके रेडी होंगे आज के लिए एंड फिर जाएंगे उस स्पेशल जगह में जहाँ पे आपको भी एक्सपीरियंस कराएंगे अपने साथ। ये देखो इसको पता चल गया कि मैं आ गया, कैसे बाहर इसका बस नहीं लग रहा इसका कि साइड से निकल के आ जाए। हाय उनो, खोल दे दरवाजा यार, खोल दे खोल दे। यू प्लेइंग? ये इसकी फेवरेट गेम है आजकल, और देखना कितना गुस्सा होता अगर ले लो तो। ये देखो ये देखो, दो दो ये देखो, गुस्सा दे जान लगा देता पूरी। बाय। ब्रेकफास्ट हो गया कमाल का, सुबह सुबह हम हेल्दी खा रहे हैं नूडल्स और आज आंखों में अब लग रहा है मेरे। रीमा ने मेरे पीछे जबरदस्ती पड़ के आज फेशियल वेशियल पता नहीं क्या कराया है और अब मेरे को ना आंखों में बर्निंग सा हो रहा है। पूरा का पूरा हमने घर पे जो है सलून बना दिया था, खत्म हो गया। चलो मैं सायरा को लेके आ रहा हूँ। ओके तो मैं पहुंच गया हूँ सायरा की क्लास उसको लेने के लिए, बट अभी मैंने जब फोन किया नीचे वो कहते हैं अभी लगने वाले हैं 5 मिनट और, आखिरी का सेशन चल रहा है तो जब वो आएंगी 5 मिनट और अपने को वेट करना पड़ेगा फिर यहाँ से हम जाएंगे। और मुझे लग रहा था जहाँ मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि हम ये क्लास खत्म करेंगे और उसके बाद वो जगह एक्सप्लोर करने जाएंगे, रीमा बता रही है अभी जाके 1 घंटा इसकी क्लास है घर पे फिर हम उसके बाद जाएंगे बाहर, तो अपने पास टाइम है। तो अभी मैं रिलैक्स मोड पे हूँ, रीमा लाइक चलो बैठते हैं ब्रेकफास्ट आराम से करते हैं, सो वो हमने कर लिया। बट मैंने बताया आईज अभी भी ना बर्न करी है, वो पता नहीं जो भी लगाया था रीमा ने। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि करेंगे महीने में एक बार, वो होता नहीं है, 2-3 महीने में जाके एक बार होता है, सो हो गया। अब करना भूल गया, इतना क्यूट सा बीगल अभी साइड वाली गाड़ी से निकला और सारा बहुत डिसेंट था, हमारा उनो की तरह नौटंकी नहीं था। उनो का बस चला तो गाड़ी से छलांग मार देगा। हाँ Beagles are very, you know, decent and calm, but the boy beagles are very hyper. और वो ना तो definitely the most सबसे ज्यादा hyper dog जो आज तक मैंने देखा होगा। बाकी beagles नहीं होते, देखो ये रहा एक और beagle road, ये देखो ये बेचारा कितनी आराम से, अबे तो हमारा ही है। हमें लगा कोई और इतना शरीफ से कैसे घूम रही है। ओ नो, ओह गॉड, सारा मैं बोल रहा था देखो कितना शरीफ आराम से वॉक करता जा रहा है। अगर ये मेरे साथ जो वॉक करता है, कोशिश करूंगा आपको रात को दिखाऊंगा, ये ऐसे बिल्कुल नहीं चलता। तभी मैं इसको कभी कभी बंदर बुलाता हूँ क्योंकि उछल उछल के वॉक करता है, नॉर्मल वॉक नहीं करता है मेरे साथ। क्या किस किस कामों में लगे हुए हो? ओए होए, ये डाल के नहा लो, मैं नहाने जा रहा हूँ, ये डाल के नहा लेता हूँ। तो क्या करना, देखो जो लड़की जीती है तो मिल गई, अब इसका क्या करूंगा। ये तुम आज ये अलमारी अभियान डरा दो, ये होता है कि अगर नहीं, ये इसलिए होता है कि अगर बाई चांस शुद्ध शादी वाले दिन लड़की भागने की खुद कोशिश करे तो चाकू से बंदे को मारने के काम आए। जिस दिन वो वेडिंग पे इस्तेमाल ना हो, 10-12 साल मेरे पे इस्तेमाल कर, है ना, दूल्हे पे। चलो प्लीज लीव मी अलोन, मैं जा रहा हूँ आने के लिए। तुम रेडी हो ना फिर? आर यू रेडी टू गो? राइट, तो सायरा की क्लास फिनिश एंड नाउ वी आर ऑफ टू सीक्रेट प्लेस, जो कि ना सायरा ने देखी ना मैंने देखी है ना मम्मा ने देखी, सबके लिए आज पहली बार एक्सपीरियंस होने वाला। क्यों शौकी? शौकी भाई हमारे फुल फॉर्म में, कैमरा भी रख लिया है, ट्राइपॉड भी रख लिया है, सारा इक्विपमेंट रख लिया भर भर के। क्यों भाई? बस जी जैकेट जिस हिसाब से डाली है ना, इतनी ठंड है नहीं। इट्स वेरी सनी। हाँ बाय द टाइम वी फिनिश जो हम करने जा रहे हैं ठंड हो ही जाएगी। यस वेदर ड्रॉप होएगा एंड चक्कर ये जैकेट उतार भी नहीं सकते बिकॉज किसी ने मुझे आइडिया दिया कि हाफ स्लीव डाल लो आज, तो वो भी ठीक है, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हाफ स्लीव में घूम लेंगे और शाम को जैसे ही ठंडी ज्यादा होगी तब हम जैकेट डाल लेंगे। और आप देख सकते हो जो यहाँ पे पोस्टर्स लगे, और उसके बाद हम आएंगे यहाँ मैकडॉनल्ड्स डोनाल्ड डक। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ गए हैं गैलेरिया, गैलेरिया मॉल के सामने हम लोग पहुँच गए, हम जा रहे हैं आज एक्सपीरियंस करने गो कार्टिंग, लेट्स गो यार। तुम जितना धीरे धीरे चल रहे हो, हाँ
नहीं मैंने कहा कौन आएगा यहाँ पे, सही से पार्क कर दो, कह रहे हैं कह रहे आपकी पार्किंग गड़बड़ लग रही है। फॉर्मूला 11 का चलो भैया आज ही करना है, बाद में करेंगे वो। जेनिया अभी तक का बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन था और है यहाँ पे नोएडा में। फॉर्मूला 1 इज गोना टेक लॉट ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ये फॉर्मूला 11 गो कार्टिंग जो है ये नई चीज है। हाय हाय यू आर विशाल। अच्छा Yo. Yo. Are you ready? Yeah, I'm ready. I'm excited for go. Oh, it's kitna bada lag raha hai. Oh my god. That looks so big. The pehla expression hai OMG. OMG. Ab Saira agli baar bolna hai kid Jenya nahi aana mujhe. मुझे जाना गो कार्टिंग दोनों। ओह इट इज ह्यूज गाइस, देखो बहुत ही बड़ा ट्रैक है यार ये, और ये कब बना हमें पता भी नहीं चला, बहुत बड़ा ट्रैक बना। दैट लुक्स रियली ह्यूज गाइस, कम लेट्स गो चेक इट आउट, आर यू एक्साइटेड? अरे वाह गाइस, यहां से आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा ट्रैक जो है ये है। ये है हमारी सारी गो कार्टिंग की कार्ड्स यहाँ पे, ये पूरा ट्रैक। अच्छा वाह बहुत ही सुंदर बना हुआ यार। सो तो मतलब जो भी बंदा आएगा पहले यहाँ पे आके टिकट वगैरह यहीं से मिलेगी, टिकट काउंटर बाहर है। ओके रेस्टोरेंट होगा नहीं, ये कॉफी शॉप है। अच्छा मतलब अगर हम अभी 3 लोग जाएंगे तो हमारा वो पूरा रिकॉर्ड होता रहेगा, जो हारेगा वो पार्टी देगा। Who's gonna lose? You. Guys, अगर आपको अपना स्कोर वगैरह सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे वहाँ करने, जब आप टिकट्स लेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन है वो करनी पड़ेगी, रजिस्टर करनी पड़ेगी, एंड देन जो भी बंदे आपके साथ आए हैं जितने भी कार्टिंग हो रही है, like 3 of us are here today, तो 3 नाम करके देन सारे के सारे अपडेट्स के सामने स्कोर जो है वहाँ पे दिखेगा। तो स्लिप्स जो है हम जब आप रजिस्टर करते हो आपको मिलेगा, और उसके बाद आप आएंगे अपने गियर सेक्शन पे जहाँ पे आपको ये प्रॉपर जो है गियर्स मिलेंगे, और अपनी चाबी अपने गले में टांग लें इसके बाद आप। गाइस जब आप रेडी हो जाते हो उसके बाद आपका जो प्रोसीजर है आप वो यहाँ से डोर से आएंगे, ट्रैक पे जाने से पहले आपको यहाँ पे ब्रीफिंग होगी, यहाँ पे वीडियो चलेगा एंड वो अभी हम देखेंगे और फिर हम जाएंगे ट्रैक पे। राइट ब्रीफिंग डन है गाइस, अब हम आगे हैं नीचे, सारी गाड़ियां जो है यहाँ पे आपके ट्रैक पे। यू रेडी गर्ल्स? के राइट साइड में एक्सीलेटर है, लेफ्ट साइड में ब्रेक है, दोनों को एक साथ प्रेस नहीं करना है। आपने मेरे से मैं बोल रही थी मेरे दोनों आउट टेक ओवर करो, आई वॉज द विनर राइट, आई केम फर्स्ट। तुम कैसे फर्स्ट आ गई यार, मैं इतनी तेज चला रहा था। ये देखो दैट इज सच अ कूल पिक्चर, कमाल का सायरा ने डाली है पिक्चर वाली, देखो ये। ओह गॉड, ये गियर में वापस जाएंगे आपका सामान। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। गाइस प्रॉपर एक्सपीरियंस है, देखो पूरी राइड करने के बाद या फर्स्ट सेकंड थर्ड के भी आपको पूरा जो है फोटो शूट करने का पूरा प्रॉपर एक पोडियम सा बना हुआ, दिस इज सो कूल। और हम लोगों ने एक्चुअली चेंज कर लिया, बट यहाँ तो हेलमेट के साथ फोटो बनती थी, बट कोई नहीं हम यहाँ पे करेंगे, ऐसे ही कर लेते हैं, फोटो तुम ही करोगे।
What are you guys having? हमारा वेट कर रहे थे, पेट भेजा शुरू कर दी है। टीम ओवर हियर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा काइंड, हमें जाने नहीं दिया। लगे नहीं आप कुछ ना ट्राई करके जाएं। प्लान चेंज हो गया, अब सारा हमें ले जा रही थी कहीं और खाने के लिए, हम यहाँ खा रहे हैं। क्या दिखाओ? From apes to racers. ट्रैक पे चला के गाड़ी, इतना मजा आया, खाना खा के और मजा आ गया, सब कुछ was like so amazing. और ये गाइज देखो, ये जो है वहां से हम लोग बात कर रहे थे, जब रेस्टोरेंट वहां पे चालू हो जाएगा, अंदर जहां बैठे थे आप, ऊपर से ब्रिज से क्रॉस करके नीचे यहाँ पे सिटिंग बना रहे हो, और ये रात को 11 बजे तक खुलने वाला है, विच इज सो अमेजिंग, स्पेशली ठंडी में यार, शाम को आके यहाँ बैठने का अलग ही मजा रहेगा, एक दिन तो एक्सपीरियंस करने रात को आएंगे यार जरूर। हाँ, दिस इज गोना बी सुपर कूल, सॉफ्ट मारना, बस वो बाहर ना निकले बॉल, चलो स्लो स्लो, सेंटर में ओके, सॉफ्टी गो सॉफ्ट, आ गए हैं घर, अशोक भाई को छोड़ दिया है, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं सायरा की क्रिसमस शॉपिंग करने के लिए, जो परसों अधूरी रह गई थी। अब हम आ गए घर पे सीधा, क्योंकि हम शॉपिंग पे जा ही नहीं पाए। अरविंद ने याद दिलाया कि आज दिल्ली में इलेक्शन है तो सब कुछ बंद है, तो भाई या तो अपना हाथ है, मेरा मुंह मत काट देना आराम से। ये बताओ क्या है, बताओ क्या है, बताओ ये है क्या, इतनी देर में तो मैं खोल भी दिया होता है, आराम से चाकू को मत मार देना भाई, ये जैसे तुम कर रहे हो ना, ओए होए, ये आ गया हमारे शेड्स का केस, जो मैं तुम्हें बोल रहा था। देखो नहीं आएंगे, क्या बात कर रही हो, अभी चेक करते हैं, अच्छा लग रहा है सायरू, कलर करोगे ब्लैक रंग, हाँ ये भी ठीक है कलर करके, लेकिन सारा प्रॉपर कलर करके। मैं बोल रही थी कि शेड जिसमें आएंगे नहीं, मैंने आधे खाली किए और सबके सब बढ़िया से आ गए हैं यार, कोई दिक्कत नहीं हुई, एंड दिस इज गुड, वाह 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 परफेक्ट। और ये कपड़ों की दुकान कब जाएगी अंदर आज? सारा ये ऊपर क्या कर रहा है बेबी, इज ही ट्राइंग टू लर्न समथिंग, क्या ये बैठ के अटैक करने की कोशिश कर रहा है, मेरे से क्या ले रहा है भाई, मैं तो आ गया वापस घूम फिर के, क्या खाएगा, सिट डाउन, सिट डाउन, अभी ठीक से बैठा हुआ था ना। सारा मुझे पता है क्या लग रहा है, कह रहा मुझे या तो टैब सिखा दो या कुछ खाने के लिए दे दो, क्यों ना स्लीप, स्लीप भी अभी कुछ नहीं हो रहा अभी। ये बताओ व्हाट इज दिस यार, सारा ये है क्या, पहले व्हाट डू कॉल दिस, इट्स अ कैलेंडर, क्रिसमस कैलेंडर, क्रिसमस कैलेंडर, दोनों पता कैसे लग रहे हो, क्रिसमस सीजन में ना मैं लग रहा हूँ ऑड वन आउट, एंड बोथ ऑफ यू आर लाइक ड्रेस अप, ऐसे क्रिसमस का टाइम आ गया, दोनों क्रिसमस के कपड़े डाल के, पीछे लाइट भी रेड है सोने के लिए रात की, इट इज द मंथ ऑफ दिसंबर, या अब ये बताओ हमारी यूट्यूब फैमिली को ये क्या है, और हिंदी में बताना है, ये हाँ है काउंटडाउन टू क्रिसमस कैलेंडर, अच्छा ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें अच्छा, तो ये डेट क्यों लिखा है इसके ऊपर, गाइस अगर आप देखोगे ना, ये 15, ये 5, ये 2, ये डेट क्यों लिखा है सारा? नहीं हिंदी में, नहीं नहीं, ये नंबर्स लिखे हैं इस पर क्योंकि हर दिन एक नंबर होता है, मतलब ये डेट है बेसिकली, मतलब फर्स्ट को फर्स्ट खोलना है, सेकंड को सेकंड खोलना है, वैसा है क्या, लाइक फर्स्ट दिसंबर विल बी द फर्स्ट वन है, तो मतलब सिंपल डेट्स है ना ये कैलेंडर, क्रिसमस ईव, ओके, तो हर रोज, नाउ यू गोना ओपन एक, या आई वांट डे 4, इफ यू गाइस हैव सीन माय इंस्टाग्राम, ओके, तो अभी डे 4 में क्या निकला आज, इट वाज अ चॉकलेट ऑफ अ क्रिसमस, वाह वाह वाह, हुआ वेरी वेरी बैड, वेरी बैड, अगर तुम ये वीडियो देखोगे तुम्हारे से मैं अभी फोन पे बात करूंगा इसके बाद, वाला मैसेज जो है ये था आज का, सो एवरी डे एक मैसेज है, वाह गो कार्टिंग करके, और वो भी अब नोएडा में आ गया, बहुत सही है ना, चलो सब करेंगे बाय बाय, गुड नाइट गाइस, यार मैं बंद करना चाहता हूँ, जब मैं बंद करना चाहता हूँ ये लड़की बोलने नहीं देती है, हाँ हाँ बताओ, 3, 2, 1, स्लीप, गुड नाइट।